Some more problem number one, A is equal to 3 by 3 की मैट्रिक्स है, इसमें प्रूव करना है A प्लस ए टी सममित मैट्रिक्स है, B पार्ट A माइनस ए टी विषम सममित मैट्रिक्स है, C पार्ट A ए टी सममित मैट्रिक्स है और D पार्ट A टी ए सममित मैट्रिक्स है। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 by 3 की, इसका पहले ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोज में रो को कॉलम में चेंज कर दिया, फर्स्ट रो 1, 2, -1 इसका फर्स्ट कॉलम बना दिया, 0, 1 थ्रू सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ए प्लस ए टी का सम निकाल दिया है, सम निकालने की वही विधि है, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट में ऐड कर देंगे, जैसे इस वन में ये 1 ऐड हो जाएगा, इस 2 में ये 0 ऐड हो गया, इस -1 में ये -1 ऐड हो गया, ये फर्स्ट रो हो गया, इसी टाइप से नेक्स्ट रो कर देंगे। इसको जो मैट्रिक्स आई है ए प्लस ए टी को बी मान लिया, अब बी इज इक्वल टू क्या हो गया ए प्लस ए टी, अब ए प्लस ए टी को पूरे ए प्लस ए टी को सममित मैट्रिक्स प्रूव करना है, तो इसको इसीलिए इसको क्या मान लिया बी। सममित मैट्रिक्स की परिभाषा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स ये 3 by 3 की है, ए प्लस ए टी जो बी आई ये क्या है 3 by 3 की, और उसका ट्रांसपोज अगर बी का ट्रांसपोज अगर बी के बराबर है, वेयर बी इज इक्वल टू क्या है ए प्लस ए टी, तो मैट्रिक्स बी क्या कहलाएगी सममित मैट्रिक्स, जबकि बी को अपन ने क्या मान रखा है ए प्लस ए टी, तो ये बी का ट्रांसपोज निकाल दिया। अब इसमें अपन अगर ध्यान से देखते हैं तो इसका फर्स्ट रो 2, 2, -2 और फर्स्ट कॉलम सेम 2, 2, -2, सेकेंड रो 2, 2, 3 और सेकेंड कॉलम 2, 2, 3, -2, 3, 4 थर्ड रो और -2, 3, 4 थर्ड कॉलम, तो इसका ट्रांसपोज भी करेंगे तो वापस क्या आएगी ये आएगी, क्योंकि इसका प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ समान है, द्वितीय पंक्ति और द्वितीय स्तंभ समान है, तृतीय पंक्ति और तृतीय स्तंभ समान, तो बी का ट्रांसपोज बी आई, इसलिए ये क्या हुई सममित मैट्रिक्स हो गई। अब ए माइनस ए टी निकाला, इस ए में से जैसे ए प्लस ए टी किया था उसी टाइप से प्लस की जगह क्या आएगा माइनस आएगा, और सब्ट्रैक्शन वैसे ही होगा, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट से क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हुआ, जो मैट्रिक्स आई उसको क्या मान लिया बी। अब बी का ट्रांसपोज किया तो ये बी का ट्रांसपोज इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये पूरा वापस किसके बराबर आ गया बी के, तो विथ नेगेटिव साइड तो माइनस बी, तो डेफिनेशन के अनुसार अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और बी का ट्रांसपोज अगर माइनस बी के बराबर है तो बी क्या होगा विषम सममित, जहां बी इज इक्वल टू क्या है ए माइनस। अब ए ए टी, ए और ए टी का मल्टीप्लाई कर दिया, ए और ए के ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के लिए वही नियम है, प्रथम पंक्ति लेंगे इधर से इधर प्रथम स्तंभ लेंगे, प्रथम एलिमेंट को प्रथम से गुणा करेंगे, द्वितीय को द्वितीय से और तृतीय को तृतीय से, इस प्रथम पंक्ति और फिर द्वितीय स्तंभ, फिर क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को गुणा करके लेंगे, फिर प्रथम पंक्ति और तृतीय स्तंभ क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके लेंगे, सेकेंड विधि सेकेंड में ही सेकेंड रो ले लेंगे फर्स्ट कॉलम ये आ गए एलिमेंट्स, ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम इसके एलिमेंट गुणा के बाद ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम ये एलिमेंट, इसी टाइप से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट गुणा करना, फर्स्ट का फर्स्ट से सेकेंड का सेकेंड से और थर्ड का थर्ड से, फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम ये एलिमेंट, थर्ड रो थर्ड कॉलम, मल्टीप्लीकेशन की वो भी विधि रहेगी। अब ए ए टी, ए ए टी को क्या मान लिया बी, अब इसमें ये मैंने लिख नोट कर दिया है कि बी की प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ समान है, द्वितीय पंक्ति और द्वितीय स्तंभ समान है, इसी प्रकार तृतीय पंक्ति और तृतीय स्तंभ समान है, तो बी का ट्रांसपोज भी क्या आएगा बी आएगा, अतः बी इज इक्वल टू क्या माना है यहाँ ए ए टी, तो ये एक सममित मैट्रिक्स। नेक्स्ट ए टी ए, इसमें जैसे ए ए टी निकाला उसमें ए का ट्रांसपोज वाले को पहले रख देंगे और ए को बाद में, उसी टाइप से इसको प्रूव कर देंगे। अब हर्मिशियन मैट्रिक्स प्रूव करना है तो हर्मिशियन का पहले क्या निकालेंगे कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालेंगे, ए की कॉन्जुगेट मैट्रिक्स को ए वहाँ से डिनोट करेंगे, कॉन्जुगेट में क्या होगा रियल जो रियल संख्या है वास्तविक संख्या का चिन्ह सेम रहेगा और जो आयट के साथ में कोई भी जो कोफिशियंट आएगा उसका चिन्ह बदलेगा, तो जैसे 2 इसमें रियल है सेम हो गया, 3 इसका रियल पार्ट है सेम रहेगा लेकिन प्लस आइटा की जगह क्या होगा माइनस आइटा, 6 रियल है सेम रहेगा प्लस 2 आइटा का माइनस 2 आइटा, 3 रियल है तो 3 सेम रहेगा और माइनस आइटा की जगह क्या प्लस आइटा, 0 एज इट इज रहेगा, 4 रियल एज इट इज प्लस 7 आइटा का माइनस 7 आइटा, 6 रियल पार्ट है सेम माइनस 2 आइटा का प्लस 2 आइटा, 4 सेम रहेगा माइनस 7 आइटा का प्लस 7 आइटा और 8। अब ये ए बार का क्या निकालना, ए बार निकलने के बाद में इसका ट्रांसपोज कर दिया, ए बार का ट्रांसपोज अगर ए के बराबर है तो परिभाषा के अनुसार हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए सबसे पहली चीज़ है वर्ग मैट्रिक्स होना जरूरी, तो ये 3 by 3 की मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ए बार का ट्रांसपोज अगर ए के बराबर है तो ए हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगी। अब विषम हर्मिशियन का एग्जांपल,
विषम हर्मिशियन में भी पहले एक ही कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले ये देखो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी 3x3 की है तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर ए बार निकाल दिया, ए बार निकालने की वही तरीकी है तरीका रहेगा, रियल जो है वास्तविक संख्या का चिन्ह सेम रहेगा और काल्पनिक संख्या का चिन्ह बदल देंगे। फिर ए बार का ट्रांसपोज लेंगे, तो ये ट्रांसपोज ले लिया, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये माइनस नेगेटिव विथ ए। अगर ए बार ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए बार का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है तो ये विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी। थैंक यू।